अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। और इस टाइम पे सऊदी अरब की खबर नहीं है, उम्मान की पूरी ऑल टोटल खबर उम्मान की है। उम्मान में बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, उसको रिलेटेड हम खबर बताएंगे। और नौकरों के हवाले से बताया गया है कि मुलाजिम अब इतने वर्ष के भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, यह भी बताया गया है। और बहुत ऐसे अजनबियों को गिरफ़्तार किया गया है, इसके बारे में भी खबर है। और आप खबर पर बने रहें, चलते हैं खबर की तरफ। और उम्मान में गिरफ़्तार होने वाले लोग जो गैर मुल्की हैं और गैर कानूनी तरीके से वो एंट्री लेते हैं उम्मान में, तो उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इसमें पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ये 31 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो बॉर्डर पे बगैर इजाज़त नामा, यानी ना उनके पास पासपोर्ट है ना वीज़ा है, और वो बाहर से एंट्री लिए हैं और इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है। और ये भी खबर उमान की है, उमान में 10 लेबर को गिरफ़्तार किया गया है जो लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और इन्हें इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये लेबर जो थे ये मछली बेचते थे, और ये मछली बेचते हुए जब पुलिस को जानकारी हुई तो वो आए और इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिए, जो गैर कानूनी है। क्योंकि ये अरब देशों का एक नियम है कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, ये अरब देशों का ये कानून है। हर जगह, हर अरब में, या सऊदी हो या उमान हो या दुबई हो कतर को, तो हर जगह पर एक नियम फॉलो किया जाता है। तो उस नियम को अगर फॉलो कोई प्रवासी, कोई मज़दूर फॉलो नहीं करता है तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और उमान का ये कानून लेबर लॉ 13 के तहत इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। ये भी खबर उमान की है, बहुत अच्छी खबर है, सबसे बेस्ट खबर है ये उमान की। कि बहुत ऐसे होते हैं लेबर की जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनको हटा दिया जाता है कि अब आपके काम के लायक अब नहीं बचे, आप अपने मुल्क चले जाएँ। लेकिन उमान में ये चीज़ उम्र का टाइम बढ़ा दिया गया है, और ये बताया गया है कि 60 साल के लोगों को भी काम दिया जाएगा। जो बाहर से लोग आएंगे 60 साल के होंगे उनको भी काम दिया जाएगा। उम्मान के श्रम मंत्री ने बयान दिया है कि 60 साल के ऊपर भी अगर उम्र होगी तो उन्हें भी नौकरी उम्मान में दी जाएगी। उम्मान में 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि जो मॉल में जाकर सामान खरीद रहे थे और वहाँ पर नकली नोट उमानी करेंसी चलाने की कोशिश कर रहे थे, और इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये आर्टिकल 175 के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कम से कम 5 साल इनको सज़ा होगी, और ये भी बताया गया है कि 5 साल से लेकर 15 साल तक इन 5 लोगों को सज़ा होगी। उमान की देखें, बारिश से रिलेटेड वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और कई ऐसी जगहों पर बर्फ़बारी भी हो रही है, वो बारी बारी करके हम बताएँगे। और ये उमान के जालान एक जगह है तो वहाँ पर ये बारिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। ये भी वीडियो आप देखें, ये भी उम्मान की है कि वो लोग के साथ में ही बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। ये भी वीडियो आप देखें, और ये वीडियो आप देखें। इक्वाडोर एक शहर है, तो उस शहर में ज़बरदस्त भूकंप के झटके, नहीं पूरी बिल्डिंग हिल रही है, पूरी सुपरमार्केट में लोग हैं, अफरा तफरी मच गई है और लोग भाग रहे हैं। ये भी वीडियो आप देखें। और ये भी वीडियो आप देखें, इक्वाडोर में भूकंप के बहुत बड़े झटके महसूस किए गए हैं और पूरी बिल्डिंग एकदम कांप रही है। ये भी वीडियो आप देखें। और ये 6.8 भूकंप आया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त भूकंप था, लेकिन ऐसा नुकसान होने की तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है, लेकिन भूकंप बहुत ज़बरदस्त था। और आप ये वीडियो देखें।
और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।